हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। आप लोग कैसे हो? एंड आज ये वीडियो के नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये हफ्ता आपका कैसा रहा एज ए ट्रेडर, और आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग एज ए ट्रेडर। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं चाहूँगा कि आई विल कवर द टॉपिक्स जो आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले चीज़ आज जो मार्केट में क्या हुआ हम वो समझने की कोशिश करते हैं पहले, एंड फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द सिनेरियोस वी शुड एक्सपेक्ट आने वाले हफ्ते में, या मंडे या ट्यूसडे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज वी हैव सीन, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो था आप देख सकते हो नीचे गया, देन आज नीचे में गया, देन उसके बाद एक अप मूव आया, फिर अगेन नीचे, देन वी आर क्लोज नियर टू द हाईज, राइट? तो आप लोग अगर याद करते हो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कल बैंक निफ्टी थोड़ा भी ऊपर आता है तो यू कैन लुक फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंट्राडे में करते हो स्मॉल रिस्क से, इफ यू हैव डन इट देन वेल, अगर आपने नहीं किया है तो व्हाट आर द सिनेरियोज दैट वी शुड एक्सपेक्ट, राइट? तो आई एक्सपेक्ट कि अगर मंडे को अगर यहाँ पर के अराउंड अगर निफ्टी मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद द स्मॉल रिस्क, राइट? मेक श्योर कि आपका रिस्क हमेशा स्मॉल होना चाहिए जब भी आप कोई भी ट्रेड्स करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म व्हाट मैटर इज व्हाट आर योर रिस्क रिवॉर्ड्स। आप कितने ट्रेड में सही पड़े, कितने ट्रेड में गलत पड़े, उससे बेटर ये है कि आप जब सही पड़े तो आपका रिवॉर्ड क्या था और आप गलत पड़े तो आपका रिस्क क्या था। तो हमेशा ये चीज़ मैट्रिक्स याद रखें, और आप लोगों को ये भी याद है कि आपको शॉर्ट क्या करना है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम होता है, अगर उनको खराब लगता है तो मैंने आपको कल बोला था कि अगर आपको मंदी करना है तो आप निफ्टी में कीजिएगा, डोंट डू इन बैंक निफ्टी। सो जब बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स एवरी ट्रेडर डू इट। अब आपको लगता है कि तेजी कब होना चाहिए, कब तेजी का बायस निफ्टी में रखना चाहिए, जब आप अगर आप देखो अगर आप मोटा मोटी जो ये रिसेंट आई है जो मैंने आपको कल भी बताया था 18,320 और 330, इसके ऊपर अगर मान लो यहाँ पे निफ्टी आता है एंड देन इट ब्रेक आउट विद अ ह्यूज वॉल्यूम और गुड वॉल्यूम, देन वी कैन लुक फॉर द बायस, क्योंकि आपका ब्रॉड ट्रेंड अप है और आपका जो माइनर ट्रेंड है वो भी अप हो जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज गेट इंक्रीज, राइट? अगर आप देखो यहाँ पे शॉर्ट्स के ट्रेड्स आ रहे हैं बट इंट्राडे में ही अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अगर आप उसको लंबा टाइम कैरी कर रहे हो तो आपका जो भी बड़ा प्रॉफिट है वो लॉस में कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रॉड ट्रेंड और आपका माइनर ट्रेंड दोनों अपोजिट है। तो ब्रॉड ट्रेंड अगर देखे तो हमने डिस्कस किया था कि भाई 18,100 जो ब्रॉड रेंज है यहाँ पे, वो रेंज जब तक निफ्टी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ नहीं करता है तब तक वी कैन एज्यूम कि ब्रॉड ट्रेंड इज अप। आप देख सकते हो आज भी अगर वहाँ से निफ्टी ने रिवर्स किया 18,100 या 18,080 के आसपास, तो ये चीज़ ध्यान रखो 18,100-18,050 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है तब तक बायस शुड बी ऑन द बुलिश साइड, राइट? लेट्स सी द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगेन आप लोगों को जो कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको खराब भी लग रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, बैंक निफ्टी को नहीं करना चाहिए, और अगर आपको तेजी करना है तो बैंक निफ्टी तो स्ट्रांगेस्ट है। तो आज भी देखो बैंक निफ्टी अगर देखे तो नियर टू अगेन द हाईज। अब कितना पॉइंट बचा हाई के, आप ही खुद देख लीजिए कितना पॉइंट है। देखो 44,100 का 120 का ऑल टाइम हाई है और आज अभी अपने 44,000 के आसपास 44,000 पे क्लोजिंग किया है। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ में मंदी या तेजी कर रहे हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रॉड और जो माइनर ट्रेंड वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपने मान लो कि पोजिशनल ट्रेड किया है जब माइनर ट्रेड वीक है तो भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, अगर आपने इंट्राडे ट्रेंड किया जब आपका ब्रॉड ट्रेंड तेजी में है और आपका माइनर ट्रेंड तेजी में है तो आपको पैसा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट आपका ब्रॉड ट्रेंड तेजी में और आपका माइनर ट्रेंड वीक है तब आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि जहाँ पे भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है तो वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को आपको शॉर्ट टाइम में निकलना चाहिए। आप उसको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें मेरे को 500 पॉइंट 1000 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट? जब तक आपका ब्रॉड ट्रेंड आपके साथ अलाइन नहीं करता है तो यू कैन नॉट मेक बिग मनी। तो आपको वहाँ पे इंट्राडे में या मे बी 1 or 2 डेज की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए। सो अगेन बैंक निफ्टी जैसे ही अगर आप देखो 44,000 जो रिसेंट आई है 44,100, राइट? उसके ऊपर जैसे ही वॉल्यूम के साथ टिकता है तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो टिल देन माइनर ट्रेंड इन कंसोलिडेशन। तो एज हमने जो डिस्कस किया बैंक निफ्टी का ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, सो वी शुड नॉट लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज अनटिल एंड अनलेस 43,400
और अगर ब्रॉड ट्रेंड जो मैंने बताया था आपको 42,600 जो है रेंज अभी एज ऑफ नाउ, वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक वी शुड लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आपको शॉर्ट लगता है तो इंट्राडे में आप देखिए, बट इंट्राडे में शॉर्ट करना है तो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज़ द बेस्ट, बिकॉज निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है। सो मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यू नो कि जब घोड़े की रेस होती है राइट, तो ये घोड़ा नंबर वन एग्जाम्पल, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, ये घोड़े पे ज़्यादा दाव लगाते हैं कि ये होप रखते हैं कि ये भी नंबर वन हो जाएगा। बट वी शुड बैट ऑन एग्जिस्टिंग हॉर्सेस जो विनर है या जो विनिंग के एटीट्यूड दिखा रहे हैं राइट, और वो भी आपके टाइम फ्रेम में। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप इंट्राडे के बेस्ट घोड़े को पकड़ो, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के बेस्ट घोड़े को पकड़ो, अगर आप शॉर्ट टर्म, बट मेक श्योर दैट होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। रिमेंबर वन थिंग, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अगर आप सोचो, काफ़ी लोगों को जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो बिहेवियर और जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो जब निफ्टी वीक हुई तो लोगों ने सोचा कि बैंक निफ्टी भी खराब हो जाएगी क्योंकि निफ्टी वीक है, वो चक्कर में उन लोगों ने निफ्टी शॉर्ट करने की जगह पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर लिया। हैव यू मेड द मनी, आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। तो जो वीक है उसको ही शॉर्ट करना चाहिए ना, जो वीक नहीं है उसको आप बोलेंगे कि वीक हो जाएगा, जब हो जाएगा तब हो जाएगा, बट तब तक वॉट। सो ऑलवेज लुक वॉट इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट, वॉट इज द मार्केट इंफॉर्मेशन इज टेलिंग यू। सो हमेशा एक चीज ध्यान रखो एज ए ट्रेडर, जो दिखता है उसको ट्रेड करो, जो नहीं दिखता है उसको ट्रेड करने की कोशिश मत करो। वॉट इज इन फ्रंट ऑफ यू एज ए ट्रेडर, हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने नहीं उसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो आप जरूर बताइए क्या आपने भी ऐसा गलती किया है, क्या आपको लगता है कि आपने भी बार बार ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप रियल पोटेंशियल जो आपकी प्रोसेस है उसका आप नहीं कर पाए राइट। सी जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्रॉड ट्रेंड स्मॉल कैप में अप है, माइनर ट्रेंड इज इन कंसोलिडेशन, आप देखेंगे ब्रेकआउट हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, तो ब्रॉड ट्रेंड अभी तक खराब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लेवल है जो इसके नीचे, जो कल भी हमने डिस्कस किया 9700, उसके नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता और सस्टेन नहीं करता है तो ब्रॉड और माइनर दोनों ट्रेंड अप है टू न्यूट्रल है राइट। ब्रॉड ट्रेंड इज अप, माइनर ट्रेंड इज न्यूट्रल। सो जैसे ही ये भी तेजी में आया था, यू कैन लुक फॉर द स्मॉल कैप में जो भी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज है राइट। सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द स्टॉक्स। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप देखेंगे तो सेम वे, यू नो वी हैव टू बी कंसिस्टेंटली फॉलो वन थिंग फॉर लॉन्ग टाइम। बड़ा वॉल्यूम आया एक ही दिन में 20%, जैसा एक मूव कर दिया उसने, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी ड्राइव आउट देख सकते हो, और आज तो बहुत कम वॉल्यूम हुआ है, और आज एक रिजेक्शन भी हुआ है नीचे की साइड। तो अगर कल मंडे को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC जिसको बोलते हैं, 177 के ऊपर अगर टिकता है तो आई कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी विद द 170 रिस्क राइट, और आपका जो अपसाइड ऑब्जेक्टिव कैन बी 190, 205 एंड देन 230 और 240 राइट। सो मेक श्योर दैट। देन दूसरा स्टॉक इज रॉयल ऑर्चिड, जो पूरा ग्रुप तेजी में है, होटल इंडस्ट्रीज पूरी तेजी में, बड़ा वॉल्यूम आए बार बार राइट। ये जो सेबी का लेटर आया था उसके बाद स्टॉक गैप डाउन हुआ, एंड अगेन स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, और आप देखो ये कंसोलिडेशन है काफ़ी दिन से, ऑलमोस्ट 3-4 डेज से, और वॉल्यूम भी बहुत ड्राई हो चुका है। तो अगर रॉयल ऑर्चिड होटल, अगर आज का जो हाई है 367 के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ टिकता है तो 355 इज शुड बी द रिस्क रिवॉर्ड, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आप राइड करते जाओ जब तक ब्रॉड और माइनर ट्रेंड आपके फेवर में है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टॉक, ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल में भी अगर आप देखेंगे एक बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद स्टॉक ने अगेन अप मूव किया है, देन अगेन कंसोलिडेशन कर रहा है, स्टॉक में वॉल्यूम एकदम से कम हो गया है। तो सेम वे ग्रीन पैनल अगर आज का जो हाई है 332-33 के ऊपर अगर सस्टेन होता है वॉल्यूम के साथ, तो यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी विद द रिस्क रिवॉर्ड 320, अपसाइड में आपको 345 देन 400 भी दिख सकता है राइट। सो मेक श्योर दैट ऑलवेज वेन एवर यू डू एनीथिंग योर रिस्क शुड बी ऑलवेज डिफाइंड। सो आप ये वीडियो देखने के बाद और जो भी आप सीरीज़ देख रहे हो, आपको क्या और चाहिए हमारे से इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़, प्लीज़ शेयर एंड व्हाट यू आर लाइकिंग। आपको ये जो हमारे वीडियोज़ है उससे आपको क्या हेल्प मिल रही है, ज़रूर आप कमेंट में लिखिए,
एंड मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट दे आर नॉट लाइकिंग द वीडियोस. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो जिससे YouTube को पता चले कि देर इज़ अ गुड कंटेंट इन दिस चैनल सो दे कैन हेल्प अस टू ग्रो. एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को. आने वाले टाइम में मैं जो भी सब्सक्राइबर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है अपनी चैनल को हम कुछ वीडियोस डालेंगे और जैसे ही आप सब्सक्राइब अगर किए तो आपको अलर्ट मिलेगा और विद इन फ्यू आवर्स हम वो वीडियो को हटा लेंगे. तो वी वॉन्ट ओनली सीरियसली जो गिवर है उनको ही वो कंटेंट मिले. अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अलर्ट मिलेगा तो यू कैन वॉच दैट वीडियो इन फ्यू आवर्स एंड देन वी विल मेक श्योर दैट वी विल डिसेबल दैट वीडियोज. तो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब द YouTube चैनल एंड गिव अस योर फीडबैक. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल अगेन.